नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स रहा है राइट थ्री इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एसकोलेटेड मोशन गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल विच अकर्स इन दम तो ये बहुत ईजी बच्चों इसमें तो कुछ करना ही नहीं है पार्ट एम में ठीक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्व स्क्र प्लस टू एस यहाँ पर जो सिंबल्स हैं उनके यूजुअल मीनिंग आपको पता है एस डिस्प्लेसमेंट यू इनिशियल वेलोसिटी ए एक्सपलोरेशन वी फाइनल वेलोसिटी टी टाइम टेकन तो ये हो गया पार्ट एक आंसर पार्ट बी देखिए कह रहा अ कार एक्वायर वेलासिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आर इन 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो कोई कार है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है अब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स तो आपको पता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है जीरो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो मीटर पर सेकेंड ठीक और टाइम कितना दिया हुआ है टाइम टीज इक्व टू टेन सेकंड दिया हुआ है टाइम टी इज इक्व टू कितना दिया है टेन सेकंड दिया हुआ है ठीक है स्टूडेंट्स अब इन्होंने बोला है कि टेन सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है सेवनटी टू किलोमीटर पर आर यानी कि फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर अब आपकी जिम्मेदारी कि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करें ओके okay? चेंज करें क्योंकि वेलोसिटी का ऐसा SI यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड ठीक तो फाइनल वेलोसिटी वी को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में कैसे सेवनटी टू इन किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करके तो क्या किया हमने फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई किया एटीन वन ज़ा एटीन एटीन फोर ज़ा सेवेंटी टू फोर फाइव जै ट्वेंटी सो ट्वेंटी मीटर पर सेकंड क्या हो गया बच्चों इसकी फाइनल uh, वेलोसिटी हो गई अब इसमें तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं देर आर थ्री क्वेश्चन पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट वन में एस्कुलेशन आपको निकालना है सो पार्ट फर्स्ट का मैं सोल्यूशन यहाँ नीचे कर देता हूँ ओके okay? सो पार्ट फर्स्ट का सोल्यूशन है एस्किलेशन का फॉर्मूला आपको पता है एस्क्लेन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वालासटी ए इज इक्ल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वालास्टी का मतलब वी माइनस यू बाई टी देखिए चेंज इन वालास्टी को टाइम से डिवाइड कर दो रेट ऑफ चेंज ऑफ वलास्टी आ जाएगा एस्क्शन की डिफिनीशन क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वलास्टी अगर आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी ए की वैल्यू निकालेंगे तो वी माइनस यू बाई टी आएगा वी क्या है फाइनल वालास्टी वी कितना है ट्वेंटी माइनस यू क्या है इनिशियल वेलास्टी कितना है जीरो डिवाइडेड बाई टी टाइम कितना है टेन सेकेंड है ओके okay, स्टूडेंट्स तो यहां से निकालोगे ट्वेंटी माइनस जीरो ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टाइम कितना है टेन है सो so, यहाँ से आएगा टेन वन जेन टू जो सो आंसर आ गया टू क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरीके से जो बॉडी का एस्कुलेशन है वो कितना है टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो पार्ट ए का आंसर कितना आ गया टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सकुलेशन है ये पार्ट एक आंसर है पार्ट बी देखिए यानी कि सेकंड पार्ट बी का मतलब बी का सेकंड पार्ट द एवरेज वेलोसिटी अब देखिए बच्चों जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है ठीक तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये पार्ट टू का आंसर देखिए एवरेज वलासिटी का जो फॉर्मूला होता है ठीक है ये जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूँ जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो एवरेज वलासिटी निकालते कैसे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू ऐसा करके हम निकालते हैं ठीक तो u u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी है v कितना है यहाँ ट्वेंटी है डिवाइडेड बाय टू करेंगे सो so, आंसर आएगा यहाँ पर कितना ज़ीरो प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी सो ट्वेंटी बाय टू ट्वेंटी बाय टू कितना होता है टेन सो टेन मीटर पर सेकेंड क्या है इसकी एवरेज वेलोसिटी है ओके थर्ड पार्ट अब देखिए स्टूडेंट्स जो थर्ड पार्ट है उसमें इन्होंने हमसे क्या पूछा है थर्ड पार्ट में थर्ड पार्ट में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम यानी कि टाइम कितना है टेन <coughs> सेकेंड है उसमें हमको डिस्टेंस निकालना है ओके स्टूडेंट्स नाउ देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ पता है ए पता है ठीक टी पता है यू पता है वी पता है तो अगर आपको एस निकालना है डिस्टेंस तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हाफ का मतलब स्क्वायर ठीक चलिए सॉल्व करते हैं u की जगह कितना रखोगे जीरो क्योंकि इनिशियल लॉस्टी जीरो इंटू टी टी की जगह कितना रखोगे टाइम कितना है टेन सेकेंड ओके स्टूडेंट्स की जगह आपको टेन रखना है प्लस वन बाई टू स्क्वायर यानी कि वन बाय टू इंटू ए ए आप निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन में कितना आया है ए ए कितना आया है टू तो ए की जगह हमने टू रखा फिर टी का स्क्वायर ठीक सो टी टी क्या है आपका टाइम है और टाइम कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में देख लीजिए टाइम कितना दे रखा है टेन सेकेंड्स तो ए टी स्क्वायर यानी कि टेन का स्क्वायर ये लीजिए ठीक तो यहां से आ जाएगा आपके पास एस इजिक्वल्स टू जीरो इंटू टेन ये खत्म हो जाएगा फिर यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया ठीक है प्लस प्लस तो ऐसा ही है कोई बात नहीं लगा रहता है तो प्लस का क्या मतलब है टेन का स्क्वायर बचेगा टेन का स्क्वायर मीन टेन इंटू टेन हंड्रेड आ गया समझ गया ना देखो करके दिखा देता हूँ जीरो इंटू टेन जीरो हो गया प्लस में टू से टू कैंसिल यहाँ पे वन बचा इन टू में टेन का स्क्वायर टेन का स्क्वायर मतलब टेन इंटू टेन टेन इंटू टेन कितना होता है हंड्रेड अब आप चेक कर लीजिए हंड्रेड इंटू वन हंड्रेड हंड्रेड प्लस जीरो हंड्रेड तो इस तरीके से जो आपका डिस्टेंस है वो क्या आ गया हंड्रेड मीटर आ गया ओके okay, स्टूडेंट्स अब देखो डिस्टेंस निकालने का एक और तरीका है यहाँ पर पता है मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी डिस्टेंस निकाल सकते हो कैसे देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या अपनी एट्थ क्लास में मैथ्स की बुक में पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है नाइन्थ क्लास में ठीक डिस्टेंस बाय टाइम तो होता क्या है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होती है तो जो उसकी स्पीड होती है वही वेलोसिटी होती है तो यहाँ हम क्या करेंगे और यहाँ पर सुनो ध्यान से ये जो स्पीड की आप बात करते हो ये होती है एक्चुअल में एवरेज स्पीड क्या होती है पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड होती है कौन सी स्पीड होती है एवरेज स्पीड होती है ओके okay? तो इस बात का ध्यान रखिएगा अब जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होती है ठीक तो जो बॉडी की एवरेज स्पीड होती है वही बॉडी की एवरेज वेलोसिटी होती है याद रखिएगा यानी कि इसकी जगह हम एवरेज वेलोसिटी रख सकते हैं तो एवरेज स्पीड की जगह अगर हमने यहाँ पर रख दिया एवरेज वेलोसिटी ये लीजिए ए वी जी ए वी जी का मतलब एवरेज स्पीड की जगह हमने लिखा क्या वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम अब ध्यान दें बच्चे यहाँ से अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ से अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा ये डिस्टेंस ये वाला क्या आएगा टाइम इंटू एवरेज वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी इन टाइम भाई टाइम आके इधर मल्टीप्लाई कर देगा ना तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम ऐसे भी अगर आप चाहते तो डिस्टेंस यहाँ पे निकाल सकते थे एवरेज वेलोसिटी कितनी है जाके चेक करिए अभी आपने निकाली थी टेन इंटू टाइम कितना है टेन सेकेंड टेन इंटू टेन कितना हो गया हंड्रेड लो मन हो तो आप ऐसे डिस्टेंस निकाल लो है ना ये एस है डिस्टेंस ही है ये मन हो तो ऐसे डिस्टेंस निकाल लो आप और मन हो तो आप एस इज इक्व टू यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आप डिस्टेंस निकाल लीजिए अब देखो यहाँ तो लिखा हुआ है एस का मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट कोई बात नहीं मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा ठीक है स्टूडेंट्स ओके नोट कर लीजिए